नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं प्रेम मंदिर के बारे में। दोस्तों प्रेम मंदिर भारत के मथुरा के वृंदावन में बना एक हिंदू मंदिर है। दोस्तों इसकी देखरेख एक अंतर्राष्ट्रीय निर्लाभ साहित्यिक चैरिटेबल ट्रस्ट जगतगुरु कृपाल परिषद करती है। मंदिर का परिसर वृंदावन की सरहद में 54 एकड़ तक फैला हुआ है और यह हिंदू भगवान राधा कृष्ण एवं सीताराम का मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना 5वें जगतगुरु कृपालु महाराज ने की थी। भगवान कृष्ण के श्रद्धालुओं की इस मंदिर में काफ़ी श्रद्धा है। वे इस मंदिर को भगवान श्री कृष्ण का सबसे पवित्र और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मानते हैं। दोस्तों इसका निर्माण कार्य की शुरुआत जनवरी 2001 में शुरू हुई थी और इसका उद्घाटन समारोह 2012 में 15 फरवरी से 17 फरवरी तक चला था। 17 फरवरी में यह मंदिर आम जनता के लिए हमेशा से खुला है। कहा जाता है कि उस समय इसे बनने में तकरीबन 150 करोड़ रुपए लगे थे। दोस्तों सबसे पहले मंदिर में श्री राधा गोविंद, राधा कृष्ण और श्री सीताराम की पूजा की जाती है। प्रेम मंदिर के बाजू में ही एक 73,000 वर्ग फीट के पिल्लर का निर्माण किया गया है, जहाँ एक साथ एक ही समय में 25,000 लोग तक जमा हो सकते हैं। दोस्तों 14 फरवरी 2001 को कृपालु महाराज ने इस मंदिर के निर्माण के लिए पहली ईंट रखी थी। मंदिर के परिसर का निर्माण करने में मूल 1000 आर्टिस्ट और 12 साल लगे। वृंदावन को विकसित करने में कृपालु महाराज का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनका मुख्य आश्रम भी वृंदावन में ही है। अपने श्री वृंदावन धाम में वे हमेशा ही भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। दोस्तों प्रेम मंदिर का निर्माण पूरी तरह से इटालियन मार्बल से किया गया है। मंदिर में कुल आयाम में इसका 125 फीट ऊंचा ध्वज भी शामिल है। मंदिर के प्रांगण में परिधि मार्ग का भी निर्माण किया गया है। साथ ही मंदिर के परिसर में श्री राधा कृष्ण के 48 पैनल भी लगाए गए हैं, जिनमें हमें राधा कृष्ण के जीवन के कुछ मनोरंजन और मनोरंजक पल चित्र के रूप में दिखाई देते हैं। मंदिर की दीवारों का निर्माण भी कठोर इटालियन मार्बल से ही किया गया है, जो 3.25 फीट मोटी हैं। साथ ही गर्भागृह की दीवार की मोटाई 8 फीट है, जिसे पूरे शिखर, स्वर्ण कलश और ध्वज के वजन को संभाल रखा है। मंदिर में लगाए गए पैनल को श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। दोस्तों राधाष्टमी, जन्माष्टमी, जगत गुरुत्तम दिवस महोत्सव इत्यादि हिंदू पर्व यहाँ काफ़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको प्रेम मंदिर? यहाँ जरूर जाइए और मथुरा का आनंद लीजिए और भगवान का आशीर्वाद पाइए। दोस्तों अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आपको यह मंदिर कैसा लगा वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास पहुँचते रहेंगे ऐसे वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।